नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम तृतीय थर पर देश प्रधानमंत्री भाव में दायित्व नेबा पर मोदी द्वितीय मन की बात रेडियो माध्यम रे देशवासी सहित भाव विनिमय कर पीएम मोदी। नमस्ते पीएम जी, मैं आनंद खेड़ो गुवाहाटी से। मैं भी अभी 12वीं कक्षा पास किया हूँ, यहाँ के लोकल ओलम्पियाड में 6 और 7 में करता था, वहां से जी हुई। ये मेरी दूसरी आईएमओ थी, दोनों आईएमओ बहुत अच्छे लगे। मैं रुशिल जो कहा उससे मैं सहमत हूँ, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिन्हें मैथ से डर है उन्हें धैर्य की बहुत जरूरत है। हमें मैथ जैसे पढ़ाया जाता है, क्या होता है, एक फॉर्मूला दिया जाता है, वो रटा जाता है, फिर उस फॉर्मूला से ही 100 सवाल ऐसे करने पड़ते हैं, लेकिन फॉर्मूला समझे कि नहीं वो नहीं देखा जाता। सिर्फ सवाल करती जाओ, फॉर्मूला भी रटा जाएगा, और एग्जाम में अगर फॉर्मूला भूल गया तो क्या करेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि फॉर्मूला को समझो, जो रुशिल कहा था, फिर धैर्य से देखो, अगर फॉर्मूला ठीक से समझे तो 100 सवाल नहीं करने पड़ेंगे, 1-2 सवाल से ही हो जाएंगे, और मैथ्स को डरना भी नहीं है। आदित्य और सिद्धार्थ, आप जब शुरू में बात कर रहे थे तब ठीक से बात हो नहीं पाई, अब इन सारे साथियों को सुनने के बाद आपको भी जरूर लगता है कि आप भी कुछ कहना चाहते होंगे, क्या आप अपने अनुभव अच्छे ढंग से शेयर कर सकते हैं? बहुत सारे दूसरे देशों से इंटरेक्ट किया था, बहुत सारे कल्चर्स थे, और बहुत अच्छा था दूसरे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने के, और बहुत सारे फेमस मैथमेटिशियंस थे। हाँ आदित्य, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मैम, उधर हमें उन्होंने पार्क सिटी को घुमा के दिखाया था, उधर बहुत अच्छे अच्छे व्यूज दिखे थे और पार्क्स लेके गए थे, और हमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी लेके गए थे, तो ये बहुत अच्छे अनुभव था। चलिए साथियों, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इस प्रकार के खेल के लिए काफी फोकस एक्टिविटी करनी पड़ती है, दिमाग खपा देना पड़ता है, और परिवार के लोग भी कभी कभी तंग आते हैं, ये क्या गुणा भाग करता रहता है। लेकिन मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आपने देश का मान बढ़ाया है, नाम बढ़ाया है, धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट से बात करके आनंद आ गया। मन की बात से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि मैथ्स के इन युवा महारथियों को सुनने के बाद दूसरे युवाओं को मैथ्स को एंजॉय करने की प्रेरणा मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब मैं उस विषय को साझा करना चाहता हूं जिसे सुनकर हर भारतवासी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्या आपने चराई देऊ मैदान का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो अब आप ये नाम बार बार सुनेंगे और बड़े उत्साह से दूसरों को बताएंगे। असम के चराई देऊ मैदान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा रहा है। इस लिस्ट में यह भारत की 43वीं लेकिन नॉर्थ ईस्ट की पहली साइट होगी। साथियों, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि चराई देऊ मैदान आखिर है क्या और ये इतना खास क्यों है। चराई देऊ का मतलब है शाइनिंग सिटी ऑन द हिल्स, यानी पहाड़ी पर एक चमकता शहर। ये अहोम राजवंश की पहली राजधानी थी। अहोम राजवंश के लोग अपने पूर्वजों के शव और उनकी कीमती चीजों को पारंपरिक रूप से मैदान में रखते थे। मैदान टीले नुमा एक ढांचा होता है जो ऊपर मिट्टी से ढका होता है और नीचे एक या उससे ज्यादा कमरे होते हैं। ये मैदान अहोम साम्राज्य के दिवंगत राजाओं और गणमान्य लोगों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने का ये तरीका बहुत यूनिक है। इस जगह पर सामुदायिक पूजा भी होती थी। साथियों, अहोम साम्राज्य के बारे में दूसरी जानकारियां
आपको और हैरान करेगी, 13वीं शताब्दी के शुरू होकर यह साम्राज्य 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला। इतने लंबे कालखंड तक एक साम्राज्य का बने रहना बहुत बड़ी बात है। शायद अहोम साम्राज्य के सिद्धांत और विश्वास इतने मजबूत थे कि उसने इस राजवंश को इतने समय तक कायम रखा। मुझे याद है कि इसी वर्ष 9 मार्च को मुझे अदम्य साहस और शौर्य के प्रतीक महान अहोम योद्धा लसित बोरफुकन की सबसे ऊंची प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य मिला था। इस कार्यक्रम के दौरान अहोम समुदाय आध्यात्मिक परंपरा का पालन करते हुए मुझे अलग ही अनुभव हुआ था। लसित मैदान में अहोम समुदाय के पूर्वजों को सम्मान देने का सौभाग्य मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब चराईदेव मैदान के वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने का मतलब होगा कि यहां पर और अधिक पर्यटक आएंगे। आप भी भविष्य के अपने ट्रैवल प्लान्स में इस साइट को जरूर शामिल करिएगा। साथियों, अपनी संस्कृति पर गौरव करते हुए ही कोई देश आगे बढ़ सकता है।